मेरे दोस्त, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चुनौतियों के आगे अपने घुटने टेक लेते हैं, उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए है जो बहाना बनाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका का एक छोटे से गांव का एक लड़का जिसको फुटबॉल खेलने की जुनून इस कदर सवार थी कि वो कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर कपड़े से बने फुटबॉल से वो प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना ही फुटबॉल खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही जूते। यहां तक इस बंदे को कभी कभार खाना भी नसीब नहीं होता था और ऐसे वक्त में ये बंदा मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाया करता था। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी खाकर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन तो आपकी नहीं होगी। वो फटे जूते के साथ अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करता था, कोई नहीं था उसको ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी इस बंदे को अपने ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचानेगी। जब ये बंदा 12 साल का था तभी इसके देश की राजधानी में फुटबॉल की ट्रायल्स हो रहे थे, लेकिन उसके पास वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जुनून इस कदर सवार थी कि मेरे दोस्त, ये 12 साल के लड़का 160 किलोमीटर दौड़ते हुए वहाँ तक पहुँच गया। जब ये वहाँ पहुँचा तब इसके फटे हुए जूते और इसके हुलियों को देखकर इसका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस बंदे की 5 मिनट की ट्रायल्स ने सबकी बोलती बंद कर दी। उस दिन वहाँ खड़े कोच ने ये बोला कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे तेरे नाम से पहचानेगी। उस दिन ये बंदा बहुत खुश था, मानो इसने ट्रायल्स नहीं पूरी दुनिया को जीत ली हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने अपने घर को पहुंचा तब इसने देखा कि इसके पिताजी को हार्ट अटैक से मौत हो चुका है। सोचो मेरे दोस्त कि उस दिन इस 12 साल के लड़के पे क्या बीती होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो थी इसकी फुटबॉल। उसके गेम के प्रति जुनून और टैलेंट को देखकर फ्रांस के एक फुटबॉल क्लब ने उसको अपनी क्लब में ज्वाइन कर लिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी मेरे दोस्त कि जो लड़का कभी मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाया करता था, आज उसी लड़के की नेटवर्थ 20 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साडियो माने की। इस बंदे ने अपने बुरे वक्त में भी अपने ऊपर भरोसा रखा और मेहनत करता गया। जी हाँ दोस्तों, जो लड़का कभी मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाया करता था, अपना पेट भरा करता था, आज वही लड़का अपने पूरे गांव को खाना खिलाता है, पूरे गांव को सैलरी देता है। मेरे दोस्त, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो जुनून के साथ साथ खुद पे भरोसा रख, मेहनत तो करना पड़ेगा जैसे साडियो माने ने किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।